ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगांवपुर रानीबंध दीपा टोली के निकट एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना फिर प्रकाश में आई है। एक कलयुगी माँ बाप ने 3 माह का बच्चा रानीबंध दीपा टोली निकट नहर के पास छोड़कर फरार हो गए। जब बच्चे की रोने की आवाज रात 8 बजे सुनाई दी तो पास के संजय नायक की बेटी रश्मि रानी नायक बच्चे की आवाज सुनकर वहां पहुंची और बच्चे को उठाकर अपने घर ले आई। परिवार वालों ने इसकी खबर स्थानीय थाना को बताई। आज स्थानीय थाना संजय नायक के घर पहुंचकर चाइल्ड केयर को बच्चा मिलने की सूचना दी। फिलहाल चाइल्ड केयर के निगरानी में बच्चा रखा जाएगा। ज्ञात हो कि बच्चे को रखने के लिए कई लोगों ने हामी भरी है, लेकिन चाइल्ड केयर के गाइडलाइन के अनुसार स्थानीय थाना के थाना अधिकारी ने बताया कि बच्चे को चाइल्ड केयर के सभी नियमों का पालन करते हुए ही कोई इसे ले सकता है। फिलहाल बच्चा चाइल्ड केयर जाने के बाद डॉक्टरी मुआयना के बाद इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। चाइल्ड केयर के अनुसार बच्चा गोद लेने के लिए 60 दिन बाद ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद सरकारी 54,000 जमा करने के बाद पूरे सरकारी नियमों के तहत बच्चे को गोद लिया जाएगा। फिलहाल बच्चा चाइल्ड केयर संस्थान की निगरानी में है। रात को घर के सामने कोई आदमी आए और उसको छोड़ के चले गए। टाइम हो रहा था आपका 8:30-9 बजे पखा पके ऐसे कुछ नहीं। वो बच्चा हम लोग के घर के सामने छोड़ दिए थे। वो बच्चा रो रहा था ना, बोल कर सुने दिया तो जाके देखे तो वहाँ पर ही वो रो रहा था, तो उसको लेकर आए। नहीं वो थाना में जाके तो बोले थे और अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। संवाददाता राम प्रेश चौधरी, VSRS न्यूज, ओडिशा।